वाली। अब हम सबसे पहले आलू कट कर लेते हैं। हमें बहुत बड़े बड़े पीस पे नहीं कट करना आलू को। हम पोहे में किसी भी मसाले का यूज नहीं कर रहे। अगर आपको मसाला पसंद है तो मार्केट में पोहा मसाला भी मिलता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हम बहुत ही ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को, क्योंकि पोहे में थोड़ी कम पकी प्याज अच्छी लगती है। तो हम इसमें आलू डाल देते हैं। हमने प्याज और आलू डाल दिया है। आलू जब तक पक रहा है तब तक हम पोहे को धुल लेते हैं। तो ये पोहा धुल गया है। पोहे को बहुत पहले धुल के नहीं रखना, नहीं तो ये चिपचिपा हो जाएगा और फिर खिला खिला पोहा नहीं बनेगा। और साथ में हमें पोहा मोटा वाला ही लेना है, न कि पतला वाला। और इसको चलाते भी रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो आलू ये देखिए पकने ही वाला है, पक ही गया है। पका लेते हैं। तब तक इसमें हम थोड़ा हल्दी अब इसमें हम नमक और हल्दी डाल देते हैं। एक चम्मच हल्दी डाल दिए, फिर हम थोड़ा नमक और हल्दी पोहे के साथ भी डालेंगे और आधा चम्मच अभी हम नमक डाल देते हैं। नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। देखिए अब ये अच्छे से आलू पक गया है। ये देखिए कट जा रहा है, इससे चेक कर लेंगे तो। और ये दब भी जाएगा, तो दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये अच्छे से आलू पक गया है। तो हम इसमें थोड़ा टमाटर डाल देंगे। अगर कुछ कम भी है तो टमाटर के साथ आलू पक जाएगा। हम मटर भी डाल देते हैं टमाटर के साथ में। हमें मटर
टमाटर के पहले ही डालना है। और ये धनिया पत्ती काट ली, और हम नींबू का रस भी निचोड़ लेते हैं। कितना सुंदर कलर लग रहा है, आलू टमाटर प्याज मटर सब मिलकर बहुत सुंदर सा कलर दिख रहा है, एकदम मिक्स कलर है। और ये देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। आलू टमाटर मटर और प्याज सब पक चुके हैं, तो हम इसमें हमें टमाटर को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है कि एकदम से ये गल जाए, बस थोड़ा थोड़ा भी पकाना है, जिसका इसका टेस्ट मुँह में आता रहे। तो हम इसमें डाल देते हैं पोहा। तो ये हमने इसमें पोहा डाल दिया और इसको मिक्स कर देते हैं सबके साथ कर लेंगे, जिससे कि जो सब्जियां डाले हैं वो सारे पोहे में मिक्स हो जाए। उस समय थोड़ी ही नमक डाले थे, तो हम अपने स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। और थोड़ी हमें हल्दी भी कम लग रही थी, इसमें थोड़ी और हल्दी डाल लेते हैं। इसमें हमने सब सामग्री डाल दी थी और पोहा ये पक गया है अच्छी तरह से। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नींबू जो धो लिए थे उनका रस निकाल लिया और भी अलग कर दिया, और हम इसमें इसको डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पोहा डालने के बाद 10 मिनट तक इसको पकाना है, तब तक पोहा अच्छे से पक जाए। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर दिखने लग गया है, सारी सब्जियां भी अच्छे से दिख रही हैं। और चाय के साथ खाने में तो चाय पीने का आनंद दुगना हो जाता है। इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं, अगर इसको डालने से भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते, ये ऑप्शनल है। मटर का सीजन जब है तो हमें पोहे के साथ मटर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि यह पोहे का टेस्ट बढ़ा देता है। अब बच्ची हमारी मूंगफली डाल देते हैं, ये हमने इसमें डाल दी। ये भाई अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। स्लो फ्लेम में रख दिया है जिससे कि पोहा लगे नहीं और ये अच्छी तरह से पक गया है, तो बस हम सारी सामग्री जो ऊपर से है उसको मिक्स कर लें। और ये देखिए इधर हमने चाय भी चढ़ा दी है और ये चाय भी पकने ही वाली है, तो हम पोहा के साथ ये है अदरक वाली चाय। अब ये हमने मूंगफली भी मिक्स कर ली, अब इसको ऊपर से धनिया पत्ती से डाल देते हैं और इसको धनिया पत्ती को भी जल्दी से मिक्स कर देते हैं। ये हमने सारी सामग्री मिक्स कर दी और अब हम पोहे को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हम पोहे को प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए पोहा इतना सुंदर दिख रहा है। इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं प्याज, अगर आपको पसंद है कच्ची प्याज तो आप कच्ची प्याज, और थोड़ी नमकीन। तो इस तरह से पोहा बना के खाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसके साथ हम चाय भी निकाल, चाय और पोहा एकदम रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी है और जरूर बनाइए और चाय के साथ खाइए। अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हैं तो इसको ऐसे नॉर्मल बिना चाय के भी खा सकते हैं। ये इसमें सारी वेजिटेबल्स भी डली हुई है, एक तरह से हेल्दी भी है, तो और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। एक बार बनाए और खाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।